अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस हम लोग अभी आए हैं ज़ुरैज़ को छोड़ के। ज़ुरैज़ का आज फर्स्ट डे था तो उसके बाबा बोल रहे थे कि फर्स्ट मार्च से ही स्टार्ट कराएंगे, तो आज उसका फर्स्ट डे था। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम गया है ऐसे, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी कि पता नहीं तंग तो नहीं करेगा या माहौल कैसा होगा। बस अल्लाह तबारक ताला हमारे बच्चों को ऐसी तालीम से नवाजे हैं जो उनके लिए दुनिया आखरत में भलाई का बाइस हो, आमीन। और यहाँ पे मेरा गरम मसाला पाउडर फिनिश हुआ हुआ था, वो बना रही हूँ। और ये साबुत गरम मसाले थे, इनको मैंने 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया था और बस ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको पाउडर बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था इसको। और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और खाने में आज मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और उसके लिए टमाटर बॉयल कर रही हूँ। टमाटर को बस इतना ही बॉईल करूँगी कि उसका छिलका आराम से उतर जाए, तो फिर उन्हें मैश कर लूँगी। और मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और ये साबुत ज़ीरा था और साबुत धनिया था। इस दोनों को मैंने क्रश कर लिया है और इससे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और ये टमाटर बॉयल हो गए, इनका छिलका उतार के मैंने इन्हें मैश कर लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूंगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट और इसे 3-4 मिनट के लिए सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और बर्तनों की आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई हुई है क्योंकि मैंने अपना पूरा सामान पाकिस्तान भेज दिया था, कार्गो करा दिया था क्योंकि हमारा जाने का प्लान था, लेकिन बाद में हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया था और हम लोग नहीं गए थे। और यहाँ पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था, साथ ही इसके नमक भी डाल दिया था। और जब इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया जो बनाया था। और मसालों में अब मैं इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर इसे मैं पानी ड्राई होने तक कुक कर लूँगी। बाकी जो ब्लैक पेपर पाउडर और गर्म मसाला पाउडर है और धनिया और ज़ीरा जो मैंने क्रश किया था उसको मैं एंड पे ऐड करूँगी। और जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हो गई है रेडी। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया और जिंजर काट के डाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।